हेलो दोस्तों, इंडियागढ़ चैनल में आपका स्वागत है। आज है 6 अक्टूबर और 6 अक्टूबर से छत्तीसगढ़ से जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बनते हैं उसके बारे में पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में मैं बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए। आज के वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। और साथ ही दोस्तों, कक्षा छठवीं से कक्षा आठवीं तक NCERT बुक पढ़ना चाहते हैं तो हमारे सेकंड चैनल फ्री स्टडी फॉर यू को सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर वीडियो का स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन, सेंधपानी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, जसपुर। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। जिला मुख्यालय से 9 किलोमीटर दूरी पर सेंधपानी नया जलप्रपात मिला है। यह जलप्रपात चारों ओर से चट्टानों से घिरा है। जिला मुख्यालय के नज़दीक होने के बावजूद वाटरफॉल लोगों की पहुंच से काफ़ी दूर है। सिर्फ आसपास के ग्रामीण इसके बारे में जानते थे। सेंधपानी जलप्रपात के लिए पतरा टोली ब्लॉक के दुलदुला ग्राम पंचायत के अंतर्गत सरहा पानी से जोगीमारा जाने के रास्ते से होकर पैदल मार्ग से जाया जाता है। ये जलप्रपात जोगीमारा से सिटोगा के बीच से जाया जाता है दोस्तों, से आप इमेज में देख सकते हो दोस्तों। यह दोस्तों नया जलप्रपात है, ये जसपुर में पाया गया है दोस्तों। तो अब जसपुर की बात आई है दोस्तों, तो जसपुर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ के मैप में ये रहा दोस्तों अपना जसपुर। स्थापना 1998, इसका मुख्यालय जसपुर नगर, मातृत्व जिला है रायगढ़, समवर्ती राज्य किसके नज़दीक में है तो उड़ीसा। तहसील विकास खंड 8 है दोस्तों, पत्थल गांव, कासाबेल, दुलदुला, जसपुर, कुनकुनी, कुनकुरी, बगीचा, नमोरा, फरसाबाह, ये सब कहाँ है दोस्तों तो जसपुर में है। तकरा जिले से के नाम को नागलोक के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। विधानसभा क्षेत्र है जसपुर, पत्थल गांव, कुनकुरी, मुख्य चट्टान दक्कन ट्रैक, मुख्य खनिज बॉक्साइट भंडारण क्षेत्र पंडरा पाट, खुड़िया पहाड़, दतुन पानी, ठीक है दोस्तों यहीं पर हैं। जनजाति निवास करते हैं यहाँ दोस्तों मुंडा, उराव, पहाड़ी कोरवा, पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण मुख्यालय जसपुर है। हवाई पट्टी है दोस्तों तो अंगडीह हवाई पट्टी राज्य शासन के अधीन। यहाँ पर जसपुर में टोटल दोस्तों हवाई पट्टी 8 है जो शासन के अधीन है। अभयारण्य की बात करते हैं दोस्तों तो बादल कोल अभयारण्य की स्थापना 1975 में किया गया है। प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य 105 वर्ग किलोमीटर में यहाँ फैला है दोस्तों। मुख्य नदी कन्हार नदी, कन्हार नदी है दोस्तों, उद्गम है इसका बखोना चोटी। बगीजा तहसील, सहायक नदी पेजन, गनपुआ, सिंदूर, ये इनकी सहायक नदी है दोस्तों। ईब नदी खुर्जा पहाड़, पडरा पाट, स्वर्ण नदी के नाम स्वर्णकण यहीं पाए जाते हैं दोस्तों। जलप्रपात रानीदाह जलप्रपात, दमेरा जलप्रपात, खुड़िया जलप्रपात, राजपुरी जलप्रपात, ठीक है दोस्तों यहीं पर पाए जाते हैं जसपुर में। कुनकुरी एशिया का सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च स्थापित यहीं है दोस्तों। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला प्रेजपाट की पहाड़ी कैलाश गुफा यहीं पर है दोस्तों।
पत्थलगांव लुड़ेना टमाटर की राजधानी के लिए जाना जाता है। जसपुर पाट प्रदेश क्षेत्र के अनुसार प्रदेश के सबसे बड़े बड़े पाट प्रदेश में है दोस्तों। सन्ना जसपुर छत्तीसगढ़ के स्विट्जरलैंड कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी पूर्वी भाग में जसपुर जिला प्राकृतिक की गोद में बसा हुआ अपनी प्राकृतिक सुंदरता से पूरे देश में विख्यात है। पहाड़ों की लंबी श्रृंखला घाटियां एवं नैसर्गिक वादियों से अलग पहचान दिखती है दोस्तों या दिखलाती है। महानदी पर मकरभंजा जलप्रपात प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो जसपुर ज़िले में स्थित है दोस्तों। तो जसपुर ज़िले से दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए, एग्ज़ाम में इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया है दोस्तों। क्वेश्चन की स्पष्टीकरण देखते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ में जंगलों से जुड़े दो अहम फैसले सरकार ने रविवार को लिए। अब गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। इसके अलावा जंगल में मिलने वाली जड़ी बूटियों से इलाज को बढ़ावा देने के लिए ट्रेडिशनल मेडिसिन बोर्ड की घोषणा भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। रायपुर में आयोजित राज्य वन जीव बोर्ड की 11वीं बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। वर्तमान में प्रदेश में 3 अचानकमार टाइगर रिजर्व, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व और नए रिजर्व को मिलाकर अब प्रदेश में 4 रिजर्व हो जाएंगे दोस्तों। साथ ही लेमरू हाथी रिजर्व गठन की अधिसूचना जारी होने की जानकारी भी इस बैठक में दी गई है दोस्तों। तो अभी तक दोस्तों छत्तीसगढ़ में 3 रिजर्व थे दोस्तों, अब इसको मिला के 4 हो जाएंगे दोस्तों। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को अब टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया है दोस्तों। यहाँ पर वन भैंसे और अन्य जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए यहाँ रिजर्व घोषित किया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, तो ये कोरिया ज़िले में है दोस्तों। तो कोरिया ज़िले के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ के मैप में ये रहा दोस्तों अपना कोरिया ज़िला। स्थापना 1998, जिला मुख्यालय बैंकुटपुर, मातृ जिला सरगुजा, तहसील विकासखंड 5, महेंद्रगढ़, बैंकुटपुर, भरतपुर, जनकपुर, सोनहट, खड़गांव, ये सब तहसील विकासखंड के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। विधानसभा क्षेत्र भरतपुर, सोनहट, महेंद्रगढ़, बैंकुटपुर। मुख्य चट्टाने देखते हैं दोस्तों, गोंडवाना क्रम, कोयला भंडारण क्षेत्र। चर्चा में रहा दोस्तों चिरमिरी, कुरसिया, कटकोना, झिलमिली, झगड़खंड, ये सब दोस्तों चर्चा में रहा है। जनजाति यहाँ निवास करते हैं दोस्तों, कोल भील। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या सबसे बड़ी जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। किसकी प्रजाति पाई जाती है दोस्तों, तो कोल भील की। बैंकुटपुर हवाई पट्टी राज्य शासन के अधीन है दोस्तों। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है दोस्तों, 1441 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसका पूर्व नाम है दोस्तों संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जो स्थित था कोरिया एवं सूरजपुर में स्थित था दोस्तों। प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था।
हसदो नदी 176 किलोमीटर, उद्गम देवगढ़ की पहाड़ी कैमूर पर्वत श्रृंखला से। ठीक है दोस्तों, विशेष 23/1/2 उत्तरीय आकांक्षा रेखा कर्क रेखा जिले से होकर गुजरती है, जिसे सीमा मध्य प्रदेश को स्पर्श करती है। ठीक है दोस्तों, चगब खार देवगढ़ की पहाड़ी। कोरिया का अधिकांश भाग पूर्वीय बघेलखंड के पठार के हिस्सा में है दोस्तों। अमृतधारा जलप्रपात हसदो नदी पर, गवारपाट जलप्रपात, रामधारा जलप्रपात सोनहट में कुरसिया की पहाड़ी में स्थित है दोस्तों। तो कोरिया ज़िले से दोस्तों इतना सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप याद कर लीजिए दोस्तों, एग्ज़ाम में इनसे ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में रविंद्र भेड़िया का निधन हुआ, वह कौन थे दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, पुलिस महानिरीक्षक थे दोस्तों रविंद्र भेड़िया। तो क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ की महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया के पति राज्य के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक रविंद्र भेड़िया का रविवार देर रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। रविंद्र भेड़िया हाल ही में कोरोना से ठीक होकर घर लौटे थे दोस्तों। रविवार को हार्ट अटैक आने पर उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था। उनका अंतिम संस्कार उसके पैतृक गांव बलोत के डोंडी लोहारा में होगा। पूर्व आईजी के निधन पर राज्यपाल अनसुईया उइके ने गहरा दुख प्रकट किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने के उनके प्रयोजनों को दुख की इस घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है दोस्तों। तो हाल ही में दोस्तों इसका निधन हुआ है दोस्तों। ये कौन थे दोस्तों? तो आईजी थे दोस्तों, पूर्व पुलिस महानिरीक्षक। ठीक है दोस्तों, जो हाल ही में इसका निधन हो गया दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरे इस वीडियो से आपको हेल्पफुल मिला हो दोस्तों, तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। Thanks for watching.